कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष जून 20 संडे को मनाई जाएगी गंगा दशहरा का पर्व। आइए जानते हैं गंगा दशहरा का हमारे वेदों में क्या विशिष्ट महत्व है और इस दिन क्या दान करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह दशमी तो एक प्रकार से गंगा जी का जन्मदिन ही है। इस दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा अवतरण की कथा वर्णित है। आज ही के दिन महाराज भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी गंगा जी। पाप मोचनी स्वर्ग की नसेनी गंगा जी का स्नान एवं पूजन तो जब मिल जाए तभी पुण्यदायक है। प्रत्येक अमावस्या एवं अन्य पर्वों पर भक्तगण दूर दूर से आकर गंगा जी में स्नान करते हैं। आज के दिन दान देने का भी विशिष्ट महत्व है। यह मौसम भरपूर गर्मी का होता है, अतः छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि दान में दिए जाते हैं। अनेक परिवारों में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं। इसी प्रकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर चूरमा बनाकर साधुओं, फकीरों और ब्राह्मणों में बांटने का भी रिवाज है। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में अनाज को दान के रूप में आज के दिन दिया जाता है। आज ही के दिन आम खाने और आम दान करने को भी विशिष्ट महत्व दिया जाता है। इस कोरोना काल में गंगा जी के तट पर जाकर स्नान आदि करना असंभव है। घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डाल के हम गंगा जी का मनन करके स्नान कर सकते हैं, फिर यथाशक्ति दान करें। साथ ही इस दिन गंगा जी का दशहरा स्त्रोत्र पाठ करने से भी शुभ फल मिलता है। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक बधाई। अगली वीडियो में गंगा दशहरा की कथा अवश्य सुने। धन्यवाद। राधे राधे।